DGP Jaspal Singh urged the police personnel to wear police uniform while going for duty point so that to create a sense of security among common citizens. DGP Jaspal Singh was speaking during the passing out parade of 263 home guards held at Police Training School, Walpoi, on Friday. DGP Jaspal Singh also raised concerns over rising of accidents in Goa as compared to its population and asked the passed out home guards to be a role model by adhering to the specified traffic rules. या लोगों के कमेंट से वो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सड़क सुरक्षा. गोवा राज्य के अंदर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से जो एक्सीडेंट की अकरेंस है, जो एक्सीडेंट्स की इंसिडेंस है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा है. इससे पहले कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करें कि उनको सड़क की सुरक्षा के नियमों का पालन करना है, इस मन से मैं आप सभी से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आप कभी अपने ड्यूटी पॉइंट पर किसी भी वाहन का प्रयोग करते जाते हैं तो सबसे पहले आपको रोल मॉडल के तौर पर काम करना है. आपको जो भी सुरक्षा के नियम हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, उनका निर्वाह करना है, उनका पालन करना है. एक और बात मैं इसी मंच से कहना चाहूँगा कि जो पुलिस की प्रेजेंस होती है, जो यूनिफॉर्म की प्रेजेंस होती है समाज के अंदर, गलियों के अंदर, सड़कों के ऊपर, वो आम नागरिक में एक सुरक्षा की भावना पैदा करती है. ये देखा गया है कि पर्टिकुलरली इन गोवा जो हमारे खासतौर पर जवान हैं, उनको एक हेजिटेशन रहती है कि जब वो घर से चलते हैं थाने पे या किसी अन्य ड्यूटी पॉइंट पर, तो वो अपनी सिविल यूनिफॉर्म में जाते हैं. तो आपके लिए भी मैं यहाँ से इस मंच से ये हिदायत करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर से अपने ड्यूटी पॉइंट के लिए निकले तो यूनिफॉर्म पहन के निकले, ताकि आपकी प्रेजेंस जो आम नागरिक है उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा करे. क्योंकि आप काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं आज सुबह से, और मौसम भी इस तरह का है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन आपकी करियर में एक बहुत ही रेगुलेटेड डे है. आप इस दिन को हमेशा से याद रखें, और जब भी कभी आपके अंदर कोई दुविधा पैदा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, तो इस दिन को आपने याद रखना है कि मैंने यहाँ पर एक शपथ ली थी कि जो भी मैं कार्य करूँगा वो जो हमारे कानून हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, प्लान्स ऑफ एक्शन होते हैं, हमारे अधिकारियों के डायरेक्शंस होती हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं अपनी सेवा का निर्वाह करूँगा, और किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी संस्था, मेरे परिवार, मेरा अपना पर्सनल रेपुटेशन या मेरे राज्य के ऊपर किसी तरह की कोई भी उंगली उठे. इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आपके परिवार के सदस्यों को मुबारकबाद देता हूँ, और जो हमारे मीडिया के यहाँ पर साथी उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ. इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ. जय हिंद. फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट रोविशे लार केरी सत्तरी.